हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका साहनी और आप सभी का वेलकम करती हूं मेरे चैनल दीपिका साहनी फूड्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो उसका नाम ठेकुआ है, जिसे हम खस्ता भी कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिश है जो हम छठ पूजा के दिन हम इसे बनाते हैं और ये एक महाप्रसाद की तरह छठी मैया को चढ़ाया जाता है। तो ये डिश, ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और छुहारा, सूखी नारियल, आलमंड्स और किशमिश और चीनी। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है, हाफ एन केजी। तो इसे मैं चाल लूँगी, ऐसे कोई डस्ट नहीं है तो फिर भी एक बार आप चाल ले तो बेटर रहेगा। तो अब हम इसमें मोइन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तड़का वाली चम्मच ले लिया है जिसे मैं गरम कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूँगी। तो ये जैसे ही गर्म हो जाए और इससे धुआं निकलने लगे तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपने डो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आटे में चीनी मिक्स कर दूँगी। मैंने आधा किलो चीनी में 1 कटोरी चीनी लिया था, आधा किलो मैदे में। तो यहाँ पर मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये बहुत इजी होता है, पर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो वो बिस्किट की तरह लगती है और बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आपको धुआं दिख रहा होगा, तेल हमारा गर्म हो चुका है और धुआं भी खुलना चालू हो गया। तो इसे मैं बीच में गड्ढा खोद दिया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी। तो अब 1 चम्मच की हेल्प से इसे हम मिला लेंगे, क्योंकि तेल हमारा काफ़ी गर्म था और आपका हाथ भी जल सकता था, तो आप 1 चम्मच की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिलाएं। तो इसी तरीके से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे कि वो तेल जो मैदे में मिक्स हुआ है वो गुलठी बन चुकी है, तो उसे हम तोड़ देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अपने मैदे में। हम इसे हाथों से मिला लेंगे और मसल मसल के मिलाएंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे एक फाइन डो बनाकर रेडी कर लेंगे।
इसे हम अपने हाथों के हेल्प से इसे मसलते रहेंगे। इसे एक अच्छे से फाइन डो बना लेंगे, ना ये सख्त हो और ना ही ये गीला। तो इसी तरीके से आप मसलते रहें और ये फाइन डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक फाइन डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा और मसल देंगे। और इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आप चाकल ले लीजिए और उसमें अच्छे से मिला लें और उसके बाद छोटे छोटे लोई कर लें। अब मैंने यहाँ पर एक लोई ले लिया है, तो इसे राउंड कर दे और इसे टैप करने के बाद आप रख दे और उसके बाद दूसरी लोई भी हम ले लेंगे। तो ये देखिए, तो दूसरी लोई को भी मैंने अच्छे से प्लेन कर लिया है। तो आप कोई भी घर पर जो भी आकार हो जिससे उभर कर आ सके आटे में, तो वो बर्तन ले सकते हैं, या फिर आपके पास साँचा हो तो आप साँचा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप बर्तन ले तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा ले। मैं आपको दूसरा बर्तन, दूसरी डिज़ाइन भी मैं दिखा रही हूँ, ये फ्लावर की डिज़ाइन, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दे और उसके बाद अपने डो को, लोई को इस पे प्रेस कर दे और उसके बाद हल्के हाथों से इसे निकाल ले। तो ये परफेक्टली डिज़ाइन इसमें आ जाती है। तो मेरे पास साँचा नहीं था, तो इसीलिए मैं अलग अलग डिज़ाइन मैं अपने अलग अलग चीज़ों से ही बनाऊँगी। और अगर आपके पास साँचा है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन इस पे उभार सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने लोई बनाऊंगी पहले और उसके बाद उस पे उसे ठेकुआ का आकार देके उसे मैं डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो अब मैं एक चम्मच की हेल्प लूँगी जो पूरी तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी आप इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो एक स्पॉट डॉट 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 वाली डिज़ाइन हमारे ठेकुए पे आ जाएगा। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन का ठेकुआ बना सकते हैं बहुत ही इजीली। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर 5 ठेकुआ बना लिया है। तो इसी प्रोसेस से मैं अपने बाकी के और ठेकुए भी बना लूँगी। तो 2 रेडी कर लिया है और इसे इसी तरीके से डिज़ाइन उभारते जाऊँगी और इसे रखते जाऊँगी। ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं अपने सारे ठेकुए में इसी डिज़ाइन को उभार दूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारा ठेकुआ सारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे तलने की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ, हमारा सारा ठेकुआ रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे तलेंगे, तो चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी गर्म हो रही है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा ठेकुआ भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसे डालते समय मैं अपना कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो सॉरी। सेकेंड टाइम जब मैं डालूँ तो उसका वीडियो में अपलोडेड है, इसमें ऐड है, आप ज़रूर देख ले। तो इसे एक बार आप डालने के बाद अराउंड 10 मिनट लगते हैं पकने में, क्योंकि आपको लो फ्लेम पर ही इसे पकाना रहता है। नहीं तो आप अगर हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ऊपर से ये अच्छे तरीके से पक जाएगी, आपको दिखेगा ये पक चुकी है, पर अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेगी। तो आप लो फ्लेम पर
10 मिनट तक ऐसे ही रखें, आप बीच बीच में पलटते रहें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएगी। तो इसी प्रोसेस से मैं इसे बना लूँगी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन, तो मैंने पलट दिया। बैक साइड भी मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, इसे अच्छे तरीके से सुनहरा ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी यहाँ से और एक प्लेट में इसे रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे ठेकुओं को भी निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब इसी ऑयल में मैं अपने सेकंड बैच को भी इसे मैं ऐड कर दूंगी। आप देख लीजिए इसे मैं कैसे डाल रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से इसे रख दे कोने में और एक चम्मच की हेल्प से इसे ऑयल की तरफ खींच ले। तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको तेल से डर भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर वो गिरने का चांसेस हो। तो इसी तरीके से रख दे और दोनों साइड पलटते रहे और गोल्डन ब्राउन होते ही आप इसे निकाल ले। जैसे मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत इजीली बन जाती हैं। तो अब हम इसे इसमें थर्ड बैच को ऐड कर देंगे। तो हमने जितना ठेकुआ बनाया था वो तीन बार में बन जाएगी, तो ये हमारा लास्ट बैच है, तो इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ और इसे भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बाकी सारे आ चुके हैं, बस हमारे और चार ठेकुआ बचा है, तो इसे भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा ठेकुआ बनकर रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपनी प्लेटिंग की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारा ठेकुआ बनाकर रेडी कर लिया है। मेरी ये डिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस छठ पूजा में आपके घर पर ठेकुआ बना है तो कैसा बना है, क्या मेरे जैसा बना है, या अगर मेरे जैसा नहीं बना है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और तो आप अपने इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम बनाने की कोशिश करें। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरा ये डिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे और सहानी फूड से जुड़े रहे। तब तक के लिए थैंक यू।